हमारे प्रधानमंत्री साहब का पंजाब का दौरा अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी चर्चा में आ चुका है, और आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखिए या आप लोग सोशल मीडिया पर देखिए, आप लोग टीवी चैनलों पर देख लीजिए, यही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चर्चा बनी हुई है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री साहब पंजाब का दौरा करते हैं और वहाँ उनका विरोध किया जाता है और प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ता है, और प्रधानमंत्री वापस लौटते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से बयानबाजी की गई, जो कहा गया, वो काफ़ी एक तरह से चिंताजनक था, और उसी को लेकर आपने देखा है कि इतनी चर्चा बनी हुई है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है। उससे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि इससे पहले भी हमारे देश में प्रधानमंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, गृह मंत्री का विरोध होता रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? तो एक कोई नई बात नहीं है। और एक बात और बता देता हूं, कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, कोई मुर्गी चुराने जितना आसान नहीं प्रधानमंत्री के पास पहुंच पाना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है, अगर इस बात को आप लोग जानते होते तो शायद इस तरह की बातें ना करते। और वहां तो आपने देखा कि कोई कुछ नहीं हुआ, विरोध ही हुआ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि न्यूज चैनलों में कई जगह चल रहा है कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता, प्रधानमंत्री बच के आ गए, प्रधानमंत्री की जान चली जाती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए, बहुत कोई प्रधानमंत्री को आप मामूली आदमी समझ रहे हैं कि कहीं भी कुछ पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया या किसी ने कुछ मार दिया, इतना आसान नहीं है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब के दौरे के दौरान कथित तौर पर सुरक्षा में सेंध लगने के बाद केंद्र सरकार द्वारा पंजाब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेष सुरक्षा दल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। और कुछ ये भी सुनने का है कि कुछ पुलिस वाले और कोई अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं। एक बार पहले आप लोग पंजाब को देख लीजिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो ये पंजाब आपको देखने को मिलेगा, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है, जिस हिसाब से किसानों ने आंदोलन किया और जिस हिसाब से वो इतने समय तक डटे रहे, उनके मन में गुस्सा है प्रधानमंत्री को लेकर और सत्ता पक्ष को लेकर। और आप देखिए विपक्ष तक के नेताओं को वो विरोध कर रहे हैं, गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस इलाके में जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए और समझाना चाहिए, बैठ के बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि किसान कानून वापस लिए गए, उनसे किसानों से बिना बातचीत के लिए गए। अगर एक ऐसा उपाय निकल जाता बीच का रास्ता कि किसानों को बुला लिया होता प्रधानमंत्री साहब ने, प्रधानमंत्री साहब मिल जाते, मिल लिए होते और कृषि कानून वापसी ले लिए होते, तो मुझे लगता है कि एक जो दरार बनी थी ना किसानों और सरकार के बीच, ये पूरी भर सकती थी। और इस किसान आंदोलन में आपने देखा है कि 700-800 के करीब किसान शहीद भी हुए हैं, यानी कि वहां उनकी मौत भी हो गई है। और जिस तरह से सरकार का रोक रहा है किसानों की विधि, आप सभी जानते हैं, बेहतर जानते हैं। देखिए, और अभी आप सभी जानते हैं कि पंजाब में चुनाव है, और मुझे लगता है कि अगर आप देश की राजनीति को जानते होंगे तो इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। पंजाब में 117 आपकी विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 13 सीटें हैं और राज्यसभा 7 सीटें हैं। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही हमारे देश का कि हमारे देश के लोग राजनीति को जानते ही नहीं है, इनके राजनीतिक हथकंडों को जानते ही नहीं है। खैर छोड़िए, आपकी परीक्षाओं में मुझे लगा कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। इस SPG आप लोगों ने सुना होगा, केंद्र सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ SPG एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, और इसके तहत जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली बुलाया जाएगा और जा सकता है उनके खिलाफ केंद्रीय स्तर पर जांच की जा सकती है। अब देखिए, बात आती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में, तो प्रधानमंत्री की आवागमन के लिए प्रोटोकॉल विशेष सुरक्षा द्वारा तय किए जाते हैं, जो आप लोग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देखते ना, SPG आप लोग कह देते हैं। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो पूरी एक तरह से आप कहिए कि विशेष सुरक्षा दल ही तय करता है उनके प्रोटोकॉल, उनके आने जाने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था। लेकिन SPG की अधिनियम की धारा
14 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री के आवागमन के दौरान विशेष सुरक्षा दल को सभी प्रकार से सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और आप देखिए कि इसीलिए आपने देखा है कि पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी है, इसे सहायता करना, इसे जो भी जरूरतें हैं, जिस तरह की सुरक्षा की जरूरत है, उसे पूरा करना राज्य सरकारों का काम रहता है। ठीक है, अब बात आती है इस विशेष जो भी आपका सुरक्षा दल अधिनियम है, तो 1988 के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकट परिजनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा दल के गठन तथा उसके विनिमय से संबंधित है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 था, ये क्या करता था कि प्रधानमंत्री हो या पूर्व प्रधानमंत्री हो या उनके निकट परिजन हो, परिवार हो, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी होती है, और वो किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और अधिनियम के अंतर्गत एसपीजी प्रधानमंत्री और उनके परिवार के करीबी सदस्यों की सुरक्षा को सुरक्षा प्रदान करती है। पद छोड़ने की तिथि के एक वर्ष तक पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की करीबी सदस्यों को भी एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाती है। और वैसे तो हमारे देश में अब आप देखिए कि एक्टर हैं कई, और कई इस तरह के आप देखें बयानबाजी करने वाले लोगों को भी स्पेशल सुरक्षा दी जाने लगी है, Z+ Y+, आप समझ रहे हैं। और इस अवधि के बाद खतरे के स्तर को देखते हुए एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। खतरे का स्तर निर्धारण केंद्र सरकार करती है, और यह खतरा निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। अगर वह सैन्य या आतंकवादी संगठन द्वारा उत्पन्न हो रहा हो, या फिर वह गंभीर एवं निरंतर जारी रहने वाला हो। और कुछ समय पहले हमारे कई नेताओं की आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उस समय भी एसपीजी का काफी मामला उठा हुआ था, उन्हें हटाने की बात हो रही थी। ठीक है, और विधेयक इस प्रावधान में एक तरह से अभी कुछ समय पहले एक विधेयक आया हुआ था संशोधन के लिए। और एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्रियों, उन्हें आवंटित आवास में उनके साथ रहने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को भी सुरक्षा प्रदान करेगी, और यह पद छोड़ने की तिथि के 5 वर्ष बाद तक सुरक्षा प्रदान करेगी। और ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है, विशेष सुरक्षा दल आप लोगों को मालूम होना चाहिए देश की एक सशक्त बल है, और यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के अधीन आता है, और यह बल देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सहित तो उनके परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। और सेना की इस यूनिट की स्थापना 1988 में संसद के अधिनियम 4 की धारा 1(5) के अंतर्गत की गई थी। इससे हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ ले कि इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और इस एक किस सचिवालय के अंतर्गत आता है, कैबिनेट सचिवालय के। ठीक है, और 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा बल की होती थी, लेकिन 1981 में इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक स्पेशल टास्क फोर्स को दी गई थी। इसका शॉर्ट फॉर्म था STF को। फिर आप देखेंगे 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद तय किया गया था कि इस विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन बीरबल नाथ समिति, इस समिति को भी याद रखिए कि क्या होता है, कई बार कमेटी से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। और इस समिति ने वर्ष 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU के गठन की सिफारिश की थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि वर्ष 1988 में संसद के विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के द्वारा पारित किया गया, और SPU का नाम बदलकर SPG रख दिया गया, SPG रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक बात फिर से आपको बता देते हैं, अगर इस तरह के मुद्दे कभी आते हैं सामने, इस तरह की बातें आती हैं, तो राजनीति को आप लोग देख लिया करिए, चुनावी मुद्दों को आप लोग देख लिया करिए कि उस समय किन के राज्यों में चुनाव क्या है। आप लोग अगर न्यूट्रल होके अगर आप लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है हर बात आप समझ सकते हैं। आजकल मीडिया का ये काम हो चुका है कि एक पक्ष मीडिया का ऐसा होता है कि कोई भी काम होता है तो उसके नकारात्मक, यानी कि आप देखिए नेगेटिव पॉइंट दिखाने लगता है, और एक क्या होता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाने लगता है। अब आप देखिए एक इस मुद्दे को लेकर देख लीजिए, एक पक्ष है मीडिया का जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं चुनावी फायदे के लिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री की जान पर खतरा, मतलब कितना बड़ा चढ़ा के बता दिया गया। और मुझे लगता है कि आम लोग आप क्या रहते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये अच्छा मुद्दा था, ये मतलब क्या था, ये प्रॉब्लम कौन सी समस्या थी। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो उन्हें मालूम होगा कि कई प्रधानमंत्रियों को
जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा, समझ रहे हैं आप लोग। और हमारे कई प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं कि उनके उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी देश की रक्षा के लिए, और कई ऐसे फैसले लिए जो उनकी जान जाने के कारण भी बने। ठीक है, तो ये कहानी है पूरी। और एसपीजी के बारे में मुझे लगता है एक सामान्य जानकारी अपने पास रखा करिएगा। क्या होता है कि कई बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात होती है तो इस तरह के मुद्दे उठने लगते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि कोई आसान, इतना आसानी नहीं है प्रधानमंत्री तक पहुंच पाना या प्रधानमंत्री। और आपको मालूम होना चाहिए ये कोई बस बस में सवारी नहीं की जा रही होती है, इनकी गाड़ियां भी स्पेशल होती हैं और नॉर्मल गाड़ी नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि इनकी कीमत कई करोड़ों में होती है। तो ये सब क्या बोल सकते हैं, वो आप लोग समझदार हैं। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, इस तरह की मजे लेते रहिए, प्रधानमंत्री के शब्द सुनते रहिए, विपक्ष के शब्द सुनते रहिए। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे नेता आजकल कॉमेडी अच्छी कर रहे हैं, कॉमेडियन जो भी हैं उनका धंधा बंद करने के चक्कर में पड़ चुके हैं। ठीक है,